क्या है कुमरौली गांव के 40 मौतों का सच, देखिए हमारे साथ पूरी पड़ताल। कोरोना काल में मेरे पंचायत में अभी तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लोग वृद्ध हैं, जो लोग 10 लोग ऑक्सीजन पे हैं हमारे पंचायत के अंदर, सब लोग परेशान हैं, प्रशासन की ओर से कोई ध्यान इस पर नहीं। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के राढ़ी पूर्वी पंचायत के कुमरौली गाँव में, और बीते दिनों यहां से खबर दी गई थी कि राढ़ी पूर्वी पंचायत के कुल 40 लोगों की मौत हो चुकी है, लोग काफ़ी ही भयभीत हैं। तो यहां पर द लाइव इंडिया की टीम इस बात का पड़ताल करने के लिए पहुंची है कि आखिर में वाकई में कितने लोगों की मौत हुई है, क्या 40 लोगों की मौत हुई है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो द लाइव इंडिया की टीम यहां पड़ताल करने के लिए पहुंची है, चलिए जानते हैं। जब हम 40 मौतों का सच जानने के लिए जाले प्रखंड के कुमरौली गांव पहुंचे तो लोगों ने मुखिया के द्वारा दी गई खबर को सिरे से खारिज कर दिया और मुखिया पर सियासत चमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया के द्वारा अफवाह फैलाया गया है। हमारे गांव में अब तक कुल मात्र 21 लोगों की मौत हुई है, 40 लोगों की मौत की खबर सरासर गलत है। मुखिया के द्वारा यहां के दी गई खबर, जो 40 मौतों का जो विवरण दिया गया था, तो ऐसा उसके बाद क्या हुआ जो लगातार गांव ग्रामीण हैं, जो भी गांव वाले हैं, वो लगातार एक लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ 40 लोगों की मौत नहीं हुई है। तो हम एक बात करेंगे यहाँ पर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ। क्या ऐसा क्या मामला है यहाँ के जो मुखिया कह रहे हैं कि 40 लोगों की मौत हुई है, 200 लोग अभी सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं, 10 लोग ऑक्सीजन के सहारे हैं? देखिए, मुखिया ने जो पेपर में दिया वो सिरे से ही गलत है। चूँकि मुखिया जी ने इसलिए दिया, मुखिया जी पेपर वाले को बोला बांस बल्ला घेरे और उन्होंने कहा इस तरह का भ्यावा बना के कि 40 लोग के कोरोना से मौत हो गई है, 10 लोग ऑक्सीजन पर हैं, 200 लोग बीमार हैं, घर से मैंने चिकित्सा के लिए नहीं जा रहे हैं। तो मुखिया जी ने इसलिए भ्यावा बनाया झूठ बोल करके कि उनको चिकित्सा का व्यवस्था ले करके प्रचार करके वोट की राजनीति करनी थी, जबकि बिल्कुल ये बात गलत है। हमारे यहाँ मार्च से लेकर अब तक 21 मौत हुई है, जिसमें एक कोरोना से हुई है और दो यादव टोली में 23 मौत हुई है। एक कोरोना से हुई जिसकी पुष्टि हम लोगों के पास है, DMCH से डेथ बॉडी आई थी, बाकी एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। कोई 90 साल के थे, कोई 100 साल के थे, कोई कैंसर से पीड़ित थे, कोई अस्थमा से थे, कोई हार्ट अटैक से हुए। आज टोटल लोग 90 के ऊपर वाले, 60 के ऊपर वाले लोग मरे हैं। मेरे पास टोटल लिस्ट है, हमने डाटा तैयार किया है और हमने चैलेंज भी कहा है कि मुखिया जी इसमें एक भी ऐड कर दे कि इसके अलावा कौन मरा है। देखिए, सच्चाई की जहाँ तक बात हो तो 40 लोगों की बात तो सरासर वो झूठ है, रही बात मरे लोग ज़रूर हैं। जहाँ तक कि मुखिया जी बताए हैं कि 40 लोगों का मृत्यु हुआ, वो सरासर झूठ है। वहीं राढ़ी पूर्वी पंचायत के सरपंच इफ्तिकार अहमद ने सीधे पंचायत के मुखिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुखिया जी 40 लोगों की मौत बता रहे हैं तो उसकी सूची तैयार करके दें। 40 आदमी की जो लिस्ट बताया गया है वो 40 आदमी की सूची पहले उदे, कौन कौन मरा, और मरा तो आदमी है मगर 40 आदमी नहीं मरा है, और वो मरने वाले में लगभग 100, 90, 85, 80, 75, 70, 60 से सब ऊपर की मौत हुई है। 40 लोगों की मौत की खबर मीडिया में चलने के बाद कई लोगों को बाहरी लोगों की फजीहत भी झेलनी पड़ी। टेम्पो चालक तमन्ने का कहना है कि जब हम लोग दूसरे गांव जा रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें घेर लिया और कहा कि आप लोग कुमरौली से हैं इसलिए इस गाँव में नहीं आने का, आपका गांव कोरोना से घिरा हुआ है। हम लोग अयारी जा रहे थे तब वो यादव सब घेर लिया, जिसके बाद बोला कि कुमरौली के हो इस गांव में नहीं आने के लिए, कोरोना से आप लोग का गांव घिराना हुआ है। वहीं RJD के प्रखंड अध्यक्ष मांझी पासवान का कहना है कि मुखिया के द्वारा लोगों की छवि खराब की गई है, जिसके कारण हम DM से मुलाकात करके मुखिया के ऊपर COVID-19 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करेंगे। आम जनता में भय व्याप्त है और छवि खराब करने के लिए लोगों को ऐसा किया है, बोर्ड की राजनीति करने के लिए ऐसा किया है मुखिया, उसका भाई जिलर जो कहता है प्रतिनिधि, इसलिए हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से शिष्टमंडल
डीएम से मिलेंगे और उनसे शिकायत मांग करेंगे कि ऐसे गलत लोगों पर COVID-19 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि जब हम सारी बातें जानने के लिए पंचायत के मुखिया के घर पहुंचे तो बताया गया कि मुखिया 10-15 दिनों के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं। वहीं मुखिया प्रतिनिधि वसी अहमद कैमरे पर कोई भी जानकारी देने के लिए राजी नहीं हुए। गौरतलब हो कि मुखिया प्रतिनिधि वसी अहमद ने ही मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमारे गाँव के अंदर 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लोग सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं और 10 लोग ऑक्सीजन के सहारे हैं। कोरोना काल में मेरे पंचायत में अभी तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लोग पीड़ित हैं, जो लोग 10 लोग ऑक्सीजन पे हैं हमारे पंचायत के अंदर, सब लोग परेशान हैं, प्रशासन की ओर से कोई ध्यान इस पर नहीं दिया। हालांकि इस मुद्दे पर जाले रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गंगेश झा का कहना है कि इस गांव में कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई थी लेकिन कोई भी आदमी जांच कराने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। उस गांव में इससे पहले 2 बार स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण करने के लिए जा चुकी है लेकिन महज 40-50 लोगों ने ही टीका लिया था। प्रिंट मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद दोबारा 21 मई को जांच टीम पहुंची तो कुल 100 लोगों का जांच किया गया जिसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं पाए गए।